आप किसी और को बेवकूफ नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, सिर्फ अपने सपनों को बेवकूफ बना रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ये रियलाइजेशन आपके दिमाग में बैठ जाए। हर दिन सोने से पहले एक बार जो अच्छा बच्चा हो वो एक बार जरूर पूछे कि क्या आज मैंने अपना 100% दे दिया, क्या आज मैंने अपने आप को जो भी सोचा था वो करके दिखाया। और अगर आपका जवाब नहीं है कि आपने नहीं किया, तो अगले दिन प्लीज ये जरूर कोशिश करिएगा कि आप अपने से तो झूठ ना बोले, ठीक है। और अगर आप इस चीज को पूरे जेई तक कंटिन्यू करते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि मे बी और मे बी नॉट यू विल गेट द IIT रैंक, बट दैट विल नॉट बी योर एंड। जो इस पूरे साल को ढंग से यूटिलाइज करेगा ना, ध्यान से सुनना, जो इस पूरे साल को ढंग से यूटिलाइज करेगा, उसके लिए IIT में होना या ना होना एंड नहीं होता, उसके लिए आगे बहुत लंबी चीज लिखी होती है। हो सकता है आपकी मेहनत इतनी हो कि आप IIT से ज्यादा बेटर डिजर्व करते हो, तो वो आज नहीं तो कल आपको मिल जाएगा। लेकिन जिसने ये साल पूरा गवाया, तो मे बी और मे बी नॉट ही इज इन IIT, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो आपका एटीट्यूड है, जो आपने अपने समय को बर्बाद किया है, उसका भुगतान आपको इन फ्यूचर करना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द IIT, इट्स अबाउट योर लाइफ। ये एटीट्यूड पढ़ने का, अपने आप को सिखाने का, और अपने अंदर ये जिद पैदा करने का कि हाँ, जो चीज मैंने अपने लिए सोची है वो मुझे पानी है। और यही आपको लाइफ में बहुत बड़ी चीजों को पाने के लिए मजबूर भी करेगा और हिम्मत भी देगा। तो आप अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज करिए। ये जो आप काम चोरी कर रहे हैं, ये जो आप समय बर्बाद कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ